ये कहाँ पर मौके हैं, बाय करेंगे, सेल करेंगे, या फिर दोनों तरह की कॉल्स आपके पास हैं? बाइंग की तरफ है, क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है कि बाजार जो है स्टॉक ड्रिवन है, काफी स्टॉक्स में अच्छी मोमेंटम है और नए सीरीज की जो शुरुआत होगी उसमें आपको थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम स्टॉक्स में दिख जाएगा। तो यहाँ पे पहला स्टॉक है मदरसन सुमी, जो आज एक ब्रेकआउट कर चुका है और इसमें काफी लॉन्ग एडिशन देखने को मिल रहे हैं हमें फेब्रुवरी सीरीज में। तो आपको मदरसन सुमी का टारगेट 120 तक बनाना है और ये ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस बनाना है 107। दूसरा ट्रेड है मारुति, हालांकि आज थोड़ा सा डाउन है इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में, पर मैं मान के चल रहा हूं कि मारुति ये कैंडिडेट रहेगा ऑटो स्पेस में, जो एक पॉसिबल रिवर्सल पेश कर सकता है एज वी हेड इनटू द फेब्रुअरी सीरीज। तो मारुति आपको एक डार्क हॉर्स में मान के चल रहा हूं, आपको खरीदना है करंट रेट पे, टारगेट बनाना है 10,225 की और स्टॉप लॉस बनाना है 9692 की। रहेगा नेशनल एल्यूमिनियम का। देखिए, स्टॉक ने अपना ब्रेकआउट दिया था, जो वीकली ब्रेकआउट दिया था वो दिया था दिसंबर लास्ट वीक में, और चार से पांच वीक से कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन इस बार अब लग रहा है कि जो क्लोजिंग है वो बहुत अच्छी दे रहा है। तो 140 का करंट मार्केट प्राइस है, 123 का स्टॉप लॉस, 173 एंड 198, ये दो टारगेट रहेंगे। पिक है वो अशोक लेलैंड पे शॉर्ट के साइड होगा, क्योंकि मेरा वो देखना और मानना ये है कि ऑटो सेक्टर्स ने रिसेंटली अंडर परफॉर्म किया हुआ है और ऑटो सेक्टर के अंदर भी एलसीवीज एचसीवीज का जो सेगमेंट है वहां पे अंडर परफॉर्मेंस हमें काफी टाइम से देखने मिल रहा है। अशोक लेलैंड अपना डेली चार्ट पे ऑलरेडी लोअर है, लो लो की सिक्वेंस बना चुका है, मंथली चार्ट पे भी कुछ एक नेगेटिव डेवलपमेंट हमें देखने मिले हुए हैं, 169 पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म व्यू बनता है, स्टॉप लॉस ऊपर में 175 का रहेगा और नीचे में हमें टारगेट 155 के देखने मिल सकते हैं।